महत्वपूर्ण बात और दीक्षित जी सुनिए, आज उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अच्छा, उत्तर लेकिन प्रदेश अच्छा में मेरे को ये बताइए सूर्य प्रकाश जी, हालांकि ये बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, हालांकि ये एस एन सिंह साहब से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट दानिश जी ने भी उठाया, धर्मेंद्र यादव जी ने भी उठाया कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, बलात्कार के आंकड़े क्या कहते हैं, यूपी को नंबर वन राज्य बताया जाता है अभी भी। ये पॉइंट बहुत बार विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है। नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, राजस्थान के अंदर जब बलात्कार में नंबर वन था, नाबालिग रेपों में नंबर वन था और नाबालिगों के प्रति अपराध में नंबर वन था, तब तो इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वहां पर तो एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से रजिस्टर्ड होती थी, तब जाके वो नंबर वन था। अच्छा, लेकिन मुझे लगा आज भौगोलिक उत्तर दृष्टि की आप प्रदेश के बात अंदर, करेंगे। सुनिए सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब इनकी कांग्रेस की सरकार, तब की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्विक्शन रेट है पूरे देश में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट है, ये मैं आपको बता दूं, सबसे कम समय में चार्जशीट वहां पे दाखिल होती है, उसके अलावा धर्मेंद्र जितने भी यादव जी अपराधी रोशनी आ गई, हैं धर्मेंद्र उन यादव जी सबके रोशनी घरों आ गई। पर बुलडोजर चलता है। मैंने अभी धर्मेंद्र यादव जी आपको स्क्रीन से इसलिए हटाया क्योंकि अंधेरे में आप लोग अच्छे नहीं लगते, चमकते हुए दिखना चाहिए, विपक्ष अभी अच्छा अंधेरे में ही चमकते हुआ रहने वाले दिखेगा तो हैं, अच्छा दिखेगा। अभी अंधेरे में ही रहने वाले हैं, अरे जितना ऐसा जो नहीं, चार्ज उनके अच्छा बारे में धर्मेंद्र दिखी यादव हुई जी ये देखिए, ये पॉइंट सूर्य प्रकाश जी ने है। उठाया और न भारत के रिपोर्टर जब जगह जगह जाते हैं, जब मतदान होता है तो वहां पर आम लोगों से पूछते हैं कि आपके जहन में मुद्दा क्या है जब आप मतदान करने जा रहे हैं, तो उनके मन से एक बात निकलती है, महिलाओं के मन से ज्यादातर, कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं, अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब कानून पर भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और ये पॉइंट फिर से, अरे फिर से अंधेरा हो गया, चलिए कोई नहीं, आप ये बोलिए अंधेरे में ही धर्मेंद्र जी। रहेंगे, चिंता मत करो दीक्षित जी। हिमांशु हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। अगर इजाजत हो मैं जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आवाज जा रही है मुझे? हाँ जी, आ हिमांशु रही आ जी, रही आ रही आ पहले 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली देने का वादा करती है और आपने खुद देखा अपने शो के दौरान कितनी बार बिजली गई है। तो रही। ये अरे भारतीय जनता मेरी पार्टी बिजली के नहीं गई कर्तव्य भैया, करने का सिंह साहब ये पॉइंट उठाइएगा, सिंह साहब ये पॉइंट उठाइएगा। सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ, हाँ भारतीय जनता पार्टी की यही समाजवादी मुद्दा पार्टी की सरकार सूर्य प्रकाश जी, एक मिनट प्लीज सूर्य जहाँ प्रकाश जी बिजली रुकिए, के खंभों अब पे, बोलिए बिजली भाई, के तारों पे, अब कपड़े पे सुनिए तो सिखाए पहले जाते थे, बिजली, समाजवादी अरे पार्टी बिजली के कहाँ आए है, सिंह साहब सुनने देखिए का ना, अपने सिंह साहब ये तो कपड़े सामने की कपड़े बात है ना, आपके सामने सिखाते हुआ ना थे। ये। अच्छा रुकिए, पहले बोलने दीजिए उन्हें, धर्मेंद्र यादव जी को वहां। अच्छा दीक्षित जी, अगर मैं हिमांशु अपने जी, ये कपड़े सच की को भी बिजली झूठ, सर लेकिन धर्मेंद्र बहुत जी को गंदा बहुत भी नहीं छोड़ते, इंपॉर्टेंट, मैंने सवाल क्या पूछा, उसका जवाब बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज बोलने दीजिए धर्मेंद्र यादव जी को। अपराध कानून सुरक्षा का भाव, किसी भी स्टेट के अपराध और कानून का जो पैमाना होता है, एनसीआरबी का आंकड़ा होता है, मैंने आपको आंकड़े बताए, मैंने बताया कि महिलाओं से रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, ये बात कोई झुठला नहीं अरे सकता। कन्विक्शन एस एन रेट सिंह भी तो साहब चिल्ला बताओ, देंगे, इसका मतलब नहीं आंकड़ा कन्विक्शन मिट रेट भी जाएगा, बताओ, मैथिल साहब चिल्ला हिमांशु देंगे जी आंकड़ा मैंने नहीं मिट बताओ जाएगा। ना, समय भी पास्को बताओ में जो, ना, और कितने जनों ने पास्को फैसला आ रहा है ये भी बताओ, एक्ट के, आप केवल पास्को के तहत एनसीआरबी जो का मामले नहीं दर्ज बताओ, होते हैं ये उसमें भी उत्तर बताओ प्रदेश कि नंबर कितने वन है, समय में यानी कि बेटियों के साथ अपराध में कितने नंबर समय वन में है, एक्शन क्या हुआ, उसको आप कितने मिटा जनों ने दोगे? बुलडोजर चला और अरे तो कितने सुनो जनों तो ने पहले एक यार, साथ ही जेल में गया, अरे ये भी बुलडोजर बताओ कहाँ चला ना। गया भाई, एनसीआरबी के आंकड़े तो मानोगे? मैथिल अरे साहब एनसीआरबी एनसीआरबी का के आंकड़े आंकड़े मानो बोल आप, रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ये के मोदी जी अंदर के आंकड़े हैं, हमारे सबसे प्रदेश तेजी में से है, एफआईआर होती अब है, मोदी जी की बात सबसे भी नहीं तेजी मानोगे से आप? कार्रवाई होती है, अरे सबसे मोदी तेजी जी से के साथ भारत अपराधी जेल क्यों में जाता मानोगे? है अब और सुन लो वहां पहले, पर अरे कानून सुनो अपना तो काम कर सही, रहा है, कोर्ट बहुत आपने जल्दी से चीखने से कानून नहीं खत्म काम भी करता कर भाई। रहा एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक अरे मिनट, आप अच्छा चीखने से, एक एक और पॉइंट, हिमांशु जी एक इनको गलत चुप कराइए, नहीं मेरी नहीं बात वो आने दीजिए, हाँ सूर्य प्रकाश जी मैं रुक मेरी जाइए, बात आने सुन दीजिए। लीजिए, आप अच्छा बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलने से पहले सामने वाले को सुनना जरूरी है, फिर आपके जवाब और अच्छे हो जाएंगे। हाँ काशी की जो बेटी थी उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी, वो तीनों लोग 60 दिन तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वहां पे सरकार बनाने के लिए ड्यूटी लगाई दी गई थी बाकायदा, यानी इनको हिमांशु जी आप 60 दिन जवाब तक ये दीजिए, नहीं पता अभी वो चला कहां पर कि है ये इनका क्या बताओ, करना अभी है, वो ये कहां पर इनका है ये कन्विक्शन बताओ, रेट है। अब ये सुनो तो बताओ वो पहले, कहां पर है, आप बिल किसी बिल क्यों पुलिस जाते हैं के भाई मैथिल आदेश पे साहब, गए क्या वो आप जेल, बिल बिल पुलिस क्यों जाते हैं ये इन्वेस्टिगेशन में बताइए गए मुझे, ना, बिल लेकिन बिल आज गायत्री फार्म होना प्रजापति है, के ऊपर तो आप सुनो पहले एफआईआर आप करने सुनो, के लिए अरे आप हाई सुनो तो कोर्ट पहले के भाई, द्वारा ही एक ऑर्डर दिया आप गया है, मेरी बात सुनिए सुनो, ना वहां धर्मेंद्र पे यादव जी पुलिस एक पॉइंट सुरक्षा यहां पर व्यवस्था उठ रहा ने है, रखा बलात्कार। धर्मेंद्र यादव हिमांशु जी एक जी पॉइंट यहां पर उठ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि अगर किसी बहन बेटी के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ करता है तो अगले मोड़ पर उसका सामना यमराज से हो जाता है, कार्रवाई होती है, कई एनकाउंटर होते हैं, फिर धर्मेंद्र जी को समाजवादी कहिए ना पार्टी के करके नेता दिखाए, कांग्रेस के नेता कहते मैं हैं ये जवाब फर्जी दूं, मैं जवाब एनकाउंटर दूं कर रहे हैं, हिमांशु, ये किसी को भी ठोक देते हैं, हिमांशु किसी जी के से साथ कर भी लीजिए, कुछ कुछ भी मैं कर जवाब देते दूं, हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा स्टैंड क्लियर कीजिए ना धर्मेंद्र जी। हिमांशु जी देखिए मेरी बात सुनिए, जो आ रहा हूं दानिश फर्जी जी, आ रहा हूं इनकाउंटर है, फर्जी हिमांशु जी जो फर्जी इनकाउंटर की लिस्ट है
और जो आपके पास कस्टोडियल डेथ की जानकारी है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा ही कहता है कि उत्तर प्रदेश थर्जी इनकाउंटर में नंबर वन है, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, एनसीआरबी के आंकड़े को कहां से लेकर आ रहे हैं। अब सुनिए तो, पहले अब सुनिए तो, कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश नंबर वन है, ये मानवाधिकार की रिपोर्ट कहता है। मतलब अगर कार्रवाई हो तो आपको आपत्ति, अरे एक करके प्लीज, एक मिनट प्लीज, सूर्य प्रकाश जी एक मिनट, हाँ ठीक है, एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि पूरी पब्लिक देख रही होगी टाइम्स नाउ के माध्यम से कि अब भी समाजवादी पार्टी अपने चरित्र को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भैया, इनके गुंडे दिन में व्यापारियों का अपहरण करते थे, इनके दोस्त मेरठ में लड़कियां पसंद करके बुलाते थे, इनके एक दोस्त जो जन्नत की हवा खा रहे थे कमर, वो मदरसे से लड़कियों को बुलाते थे, 190 इनकाउंटर हुआ। यादव जी आप सुनते नहीं हो, आप बात करें 190 इनकाउंटर, 65,000 लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हुई है, 650 लोगों पर धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, आपने सवाल उठाए तो जवाब दीजिए, थोड़ा सुनिए प्लीज, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचने दीजिए आवाज। कपिला हो, मोती सिंह हो, मनीष सिंह हो, किसी के ऊपर हुआ, आकाश जाट किस जात से आते हैं, कुंटू सिंह किस जात से आते हैं, सुभाष ठाकुर किस जात से आते हैं, आकाश कचारा किस जात से आते हैं, तो आप लोगों को एक नैरेटिव चलाना। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में कार्रवाई होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, खैर ये तो ये आज सुनिए, देखिए जब मैं खुलकर सवाल उठाता हूं तो मैं खुलकर ये भी कहता हूं कहीं पर कोई काम हो रहा है तो वो अच्छा है, और ये जनता खुद कहती है जब हम लोग जाते हैं उनसे बात करें। दानिश कुरैशी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए एक मिनट। धर्मेंद्र यादव जी, दानिश जी देखिए देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सिंह साहब को इस बात का क्लैरिफिकेशन करना चाहिए जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई घटना घटती है तो अगले मोड़ पर यमराज से मुलाकात करना। देखिए ये जो भाषा है ये एक गैंगस्टर की भाषा है, किसी एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो समाज, देखिए इंटरप्ट मत करिए सिंह साहब, इंटरप्ट मत करिए सिंह साहब, सिंह साहब आप बुजुर्ग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भगवान राम के मंदिर बनाने का, अपने काम नहीं मानते, आपकी भाषा ठीक है, ये सुनिए ना, ये AIMIM के जो प्रवक्ता है उनको अपनी बात रखने दीजिए। सिंह साहब आपने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात बोलने का अधिकार है, सीएनआरसी को नहीं माने सिंह साहब, सुनिए आपको, और भारत में ऐसी भाषा नहीं चलेगी। सिंह साहब सुनिए, धर्मांतरण अब भारत में कैसी भाषा चलेगी जनता को डिसाइड करने दीजिए, आप डिसाइड नहीं करेंगे, है ना। दानिश जी बोलिए, सिंह साहब की आवाज डाउन करिए प्लीज। देखिए सवाल यहाँ ये है कि देश में प्रदेश में कानून का राज है, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, पुरुषों को नारी का सम्मान किस तरह से उसमें इजाफा हो उसकी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके इस तरीके की घटना। फिर भी अगर कोई घटना घट जाती है अफसोसनाक, तो उस पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय